ये है हमारा बर्थडे का तोहफा। यहाँ पर टूट गया था, अभी काटा उन्होंने। ये देखिए क्योंकि बहुत तेज तूफान है ये, कि वापस घर चले जाते हैं। आशीर्वाद दे दो बस अपना। हैप्पी बर्थडे। सच्ची तो इसी भी खुश है। मॉर्निंग निशा दी। गुड मॉर्निंग दफिया। गुड मॉर्निंग सभी को, और आपका मेरे न्यू व्लॉग में दोबारा स्वागत है। और आज है मेरा बर्थडे, और मैं आराम से उठी हूँ बिल्कुल। जल्दी से ब्रश वगैरह करते हैं, नहाते धोते हैं, और दोबारा अपना बर्थडे वाले दिन भी अपना ढाबा ओपन करते हैं। नो कॉम्प्रोमाइज़, घर वाले कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे कि आज बर्थडे की ढाबा मत खोलो। अपना घर वाले बोल रहे हैं चाहे कुछ भी हो, अपना ढाबा तो खोलना ही है तुमको, है ना। तो हमने ब्रश वगैरह कर लिया, तो फिर आज क्या बन रहा है मम्मी? चूने की रोटी। ये है चूने की रोटी, ये और भांग की चटनी। ये है यहाँ पे, ये चटनी है, ये है भांग की चटनी, ये बन रही है चूने की रोटी। ये चूने की रोटी है, ये है भांग की चटनी, और ये तिल की चटनी। कैसा लगा? तिल की चटनी टेस्टी। हम सबने खाना फोना खा लिया, और बाहर इतनी तड़कती धूप आ रही है ना, इतनी कड़कती धूप देखो, बहुत आंखें भी नहीं खुल रही है। यहाँ मम्मी कपड़े धो रहे हैं। निशी जी क्या कर रहे हो आप, अपना काम बताइए जरा। मैं देख रही हूँ कपड़े ढंग से धुल रहे हैं, नहीं धुल रहे हुआ ढंग से धो रहे कि नहीं धो रही। हाँ, साफ कर रही थी। नीतीश भाई मेरे पास आया, नीतीश भाई मेरे पास आया, और मेरे को आप मेरे पास आके बोला कि मामा बोल रहे हैं शक से तैयार हो जाओ। सबको लेके जाना। मामा जी इधर आओ। नीतीश भाई को क्या बोला आपने? हमने कुछ नहीं बोला। बोला कुछ नहीं, तो बोला कि तुम तैयार नहीं हो रहे हो। हाँ मौसम भी खराब हो रहा है। अभी धूप है ना, जल्दी टाइम पे खाना बनाओ, और 1 बजे यहाँ से मार्च करो। ठीक है, फिर हम जल्दी से 1 बजे तक, 1 बजे से 5 बजे तक वहीं बैठे रहेंगे। चाची को भी बोलो। ठीक है, फिर हम दोपहर खाने की जल्दी तैयारी करते हैं। निशा दिन मेरा टास्क है दोपहर खाने की तैयारी करना, मामा ने बोल दिया है। ये है हमारा बर्थडे का तोहफा। साक्षी तो इसी में खुश है। मैं इसी में ही खुश हूँ, मुझे डुबकी मारना था मामा, मैं इसी में ही खुश हूँ। साक्षी बोली, साक्षी बोली मेरी स्टैंडर्ड इतने लो हो चुके हैं कि मैं इसमें ही खुश हूँ। और कहाँ से बाहर जाने के बंद करो आप। जल्दी से मामा ने बोल दिया चलने के लिए, जल्दी से हम दोपहर खाना बनाते हैं और फिर निकलते हैं जल्दी से। फिर दोपहर के खाने की तैयारी हो रही है। मामी कौन सी सब्जी है ये? ओगन है। अच्छा, ये आलू, घर के आलू है, उसके साथ काट के बनानी है उसको। आलू को खींच के बनाने की चोड़ी, सिलवट्टे में चोड़ी बनाएंगे, और चावल के साथ जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं भात और ढबड़ी, वो खाएंगे। अच्छा, तो फिर बस खाने की तैयारी चल रही है। मामी बस सब्जी काट रहे हैं जल्दी से, ओगल काट रहे हैं, और फिर हम निशा दीदी और मैं खाना बनाएंगे। फिर जल्दी जल्दी खाना खाते और निकलते हैं यहाँ से। दोपहर के खाने की तैयारी भी हो चुकी है। ये देखिए, इसे बोलते हैं धबड़ी, पहाड़ी डिश है, इसे बोलते हैं हम धबड़ी। इसमें हमने आलू थीच रखे हैं, और ओगल की सब्जी है ग्रीन कलर की, जो मामी काट रहे थे उसे बोलते हैं ओगल, और हमने आलू थीच के डाल रखे हैं। फिर दोपहर का खाना वगैरह टाइम हो चुका है, हम सारे सारे खाना खाने के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ जी, क्या बोल रहे हो? नहीं रहने दो, आशीर्वाद दे दो बस अपना। तो फिर नाना जी और नाना जी ने मुझे जन्मदिन के लिए मुझे पैसे दिए, और हम सारे सारे यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ रखे हैं। नाना जी कानूनुज ये कानूनुज बढ़िया बढ़िया। काफी टाइम से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी यहाँ पे भी, और आज के टाइम आज बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवा आ रही है, ऊपर काले बादल भी आ रहे थोड़े थोड़े। ये देखिए, ये देख, नमस्ते नमस्ते। क्या मम्मी कन्नू आ गया ये?
प्रणाम प्रणाम। अरे तुम तो आज हो चलो चलो चलो, मौसम भी तो फिर हम घर से निकल रहे हैं आज दोबारा डुबकी मारने के लिए दुगड्डा साइड। हम बिल्कुल 5-10 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं और बाहर का वेदर चेक करो जरा, काले काले बादल भी आ गए बाहर, काले बादल छा रखे हैं। और ऋषि दी अब कैसा लग रहा था ना जरा, मुझे तो डर सा लग रहा है थोड़ा सच में, क्योंकि पता नहीं कुछ ज़्यादा ही काले हो रखे बादल। हाँ। आज कन्नू है, कन्नू अपने साथ काले बादल लेकर आ गया। हरिद्वार में अभी 4 बज रहे हो, टाइम ऐसा लग रहा तनिक बहुत ज़्यादा हो गया, 6 बज के तो का मुंह नीता देव को लेके आने का। जय श्री राम जय श्री राम। इतने तूफान की वजह से हमें अपनी गाड़ी रोकनी पड़ रही है क्योंकि बहुत तेज तूफान है ये। बारिश इतनी ज़्यादा है ना, मतलब बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और डर लग रही है कि रास्ता वगैरह आगे कहीं टूट ना जाए, इसलिए हम वापस घर को जा रहे हैं फिलहाल तो। फिलहाल तो बाकी देखते हैं, काश बारिश रुक जाए। किधर पेड़ कैसे गिर के, तो फिर हमने सही डिसीजन लिया कि वापस घर चले जाते हैं। तो अभी हम वहाँ से निकल गए थे, वापस घर को जा रहे थे तो मौसम ना थोड़ा साफ हो गया था, कुछ साफ नहीं हुआ, बारिश हो रही है। चुप रहा यार, मौसम थोड़ा साफ हो गया तो मामा को ज्यादा पता है कि जाना है नहीं जाना, तो मामा ने वापस उधर को वापस मोड़ लिया है, तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो हम पहुंच गए और हम तैयार हैं अपनी लोकेशन में जाने पे। बारिश की वजह से पानी थोड़ा वैसा वैसा हो गया, बाकी तो क्रिस्टल वाटर है वो और आज तो भाई बहुत ठंडा मौसम और का है, हमें तो लगा था कि हम नहीं जा पाएंगे। अच्छी बात है कि हम घर चले गए क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, अब हम वापस आ गए, मौसम भी ठीक हो गया है। और ये है गाइस, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है हमारा, बोल के जल गाइस, खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, इतना अच्छा लग रहा है। ये रहा पानी, उस दिन बारिश हुई होगी गाँव में भी। हाँ पर इतना भी गंदा नहीं हुआ, ठीक है पानी क्रिस्टल क्लियर है यार, क्रिस्टल क्लियर। हम यहाँ पे कपड़े भी धोएंगे और यहाँ पे नहाने की पूरी तैयारी चल रही है, यहाँ पे देखिए जरा। तो फिर फाइनली बारिश बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी इसलिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ, व्लॉग नहीं बना पाई हूँ। यहाँ पे देखो जरा सारे के सारे मजे कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं और उधर से धूप भी बहुत अच्छी निकल रही है और बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, फिर देखिए।
तो हम नहा गए पूरा। किंजल तो पूरी लग रही, ठंडी लग रही है। किंजल मजा आ गया किंजल? और ये देखिए कितना साफ पानी है इधर, बहुत ज़्यादा साफ पानी है। लोकेशन बहुत प्यारी है ये। फिलहाल तो नानू गया है, अब हम सोच रहे कपड़े का चेंज करें क्योंकि हम गीले हो रखे हैं। तो फिर यहाँ पे साइड में एक घर जैसा कुछ बन रखा है, हम सोचे वहाँ पे गंदा सा घर है वो, थोड़ा कोई बात नहीं कपड़े चेंज करने के लिए ठीक है। तो फिर हम कपड़े चेंज करते हैं और वो जगह ये है, यहाँ पे इस घर में जा रहे हैं हम कपड़े चेंज करने। और हम फिलहाल इधर आ गए हैं, यहाँ पे हम अपने कपड़े चेंज करते जल्दी से और जल्दी से निकलते हैं क्योंकि ठंड हो रही है, ठंड ना लग जाए, बीमार ना हो जाए। तो फिर हमने कपड़े कपड़े धो लिए और हमने कपड़े भी चेंज कर लिए और यहाँ पे हमने कपड़े धोए और अब हम वापस चलते हैं। शायद थोड़ी फ़ोटो फोटो खींचे शायद से, क्योंकि मामा ऊपर बुला रहे हैं इसलिए लेट हो रहा है। 6 बज गए क्योंकि घर जाने के लिए 1 घंटा लग जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। तो फिर चलते हैं, इस लोकेशन को करते हैं बाय बाय और हम चलते हैं यहाँ से। बर्थडे तो बहुत अच्छी तरह से जा रहा है पर अब ये बोल रही है कहीं चले गए, वो छुप रखे हो गए ना, कहाँ जाना था उन्होंने। लुकना नहीं चाहिए फोन। और ये लोकेशन आई थिंक मुझे किसी को नहीं बतानी चाहिए कि कहाँ पे है लोकेशन, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया ना तो फिर लोग इधर आएंगे और ऐसी नेचर को ख़राब करेंगे, है ना किंजल? इधर लोग आएंगे ऐसे नेचर को ख़राब करेंगे, कूड़ा करकट फैला देंगे। पहले कूड़ा करकट कम गिरा हुआ है जो लोगों और फैला के रखे। मामा जी भी आ गया है, अभी फिलहाल हम केक लेने आ रहे हैं यहाँ पे। तो फिर अब हम घर पहुँच चुके हैं, सामान सामून ले लिया हमने। चकू जलाओ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हम भी अगर बच्चे होते, हम भी अगर बच्चे होते, नाम हमारा है बबलू बबलू खान पंडित। तो फिर बर्थडे केक कट चुका है मेरा और यहाँ पे बस सर्व हो रहा है। नीतीश भाई देखिए कोल्ड ड्रिंक सर्व करते हुए, मामी यहाँ पे केक काट रहे हैं और निशा दी वहाँ पे सबको समोसे डाल रही है। ये देखिए और यहाँ पे सारे बच्चे बैठ रखे हैं आराम से केक खाने के लिए। देख रही हूँ किसने क्लैपिंग करी है किसने नहीं करी है। वो पार्टी पूटी हम सबकी हो चुकी है। मम्मी यहाँ पे गूंद रहे आटा और यहाँ पे मामा जी ने बनाया है मटर पनीर। तो गाइस आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और यहाँ तक व्लॉग में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ व्लॉग को करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय।